हाय दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा ईडी का जो एक्शन हुआ एमवे के ऊपर, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं पूरे मार्केट में। और खास तौर से चूंकि मैं तो एमवे बिजनेस नहीं करता हूं और फिलहाल मैं एटोमी बिजनेस करता हूं, आप सबको पता है। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये हर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए बंदे के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मैटर है। अभी ईडी ने जो एक्शन किया है एमवे के ऊपर, वो बहुत ही मैं कहूंगा नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग एमवे नहीं कर रहे हैं उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है ये चीज। तो कई बार बड़े खुश हो रहे हैं कई लोग, मैं देखता हूं कि जो एमवे के ऊपर एक्शन हुआ तो उससे कई लोग खुश हो रहे हैं, जबकि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आपको ये टाइम है कि अब आपको सोचने पर मजबूर होना है। क्योंकि देखिए, एमवे मैंने भी किया है कई कई बहुत पहले, जब शुरुआत में हमने भी 5-6 साल तक एमवे किया है। मेरा आज की दौर में मानना है कि एमवे जितना एथिकल और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ इंडिया में। एमवे ने जिस तरह से शुरुआत किया और जितने सिस्टम और जितना जितना एथिक्स के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग का मदर कंपनी कहा जाता है एमवे को, वहीं से सारा नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ है। और अगर आज की तारीख में जिन भी लोगों ने एमवे के ऊपर एक्शन लिया है, अगर आप उनसे नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा पूछोगे तो शायद किसी को भी पता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है ना, अभी हजारों लाखों फर्जी मनी सर्कुलेशन की स्कीमें चल रही होगी मार्केट में, बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर, तो फलाना ढिमका, बहुत सारी, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। कई लोगों की जिंदगियां वो खराब कर रही है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है, एक ऐसी कंपनी जिसने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, एक ऐसी कंपनी जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, एक ऐसी कंपनी जो सारे टैक्स पे कर रही है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहाँ पर आपको सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रही है, सब कुछ कर रही है कंपनी। और सबसे बड़ी चीज, इस दौर में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, इतनी जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर अगर आप एक्शन लेते हो, तो मेरा यह मानना है कि फिर हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मेरा यह मानना है कि अगर एमवे सेफ नहीं है तो फिर आज की तारीख में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने आप को जेन्युइन या सेफ नहीं बोल सकती। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर एमवे के ऊपर ये एक्शन हुआ, और मेरा ये भी बिल्कुल क्लियर मानना है कि एमवे वो समंदर है जिसको तैरकर पार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कई बार ऐसे चैलेंजेस पहले भी आए हैं हमारे यहाँ पर, और एमवे ने उसको पार किया है, और वो डेफिनेटली ये भी बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर होने के नाते, एज ए नेटवर्क मार्केटर होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम से एमवे जितनी जल्दी बाहर आ जाए वो हम सबके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और हमको दुआ करनी चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी, बल्कि हंसी नहीं उड़ानी चाहिए कि हम एमवे नहीं कर रहे हैं तो एमवे वालों की तो ये हो गई, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान नहीं है, याद रखिए दोस्तों, अगर एमवे के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो फिर कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सेफ हूं, मेरी कंपनी सेफ है, मेरी कंपनी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, कभी नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम और आप सब इसी चीज का ध्यान रखें कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनी में ही अपना करियर बनाना है, और दुआ करनी है कि एमवे भी इस मुश्किल से जल्दी बाहर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।